पेपर आज में डिस्कस करेंगे, पेपर रविशंकर सर डिस्कस करेंगे, मैं उन्हें बता दूंगा जिस दिन करना होगा, ठीक है। कल का लास्ट क्वेश्चन रिपीट करना है, चलो कर देंगे अभी रिपीट, आप लोग ज्वाइन करो, मैं रिपीट कर रहा हूँ कल का लास्ट क्वेश्चन, कल का लास्ट क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ। हमारे पास ये सर्कुलर रिंग है बेटा, रेडियस आर का, ठीक है, दिस इज सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर, मास एम, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक। अब आप एक चीज बताओ, अगर एम मास पूरे रिंग के सर्कमफ्रेंस का है, ठीक है, तो आप मेरी बात ध्यान सुनना, यूनिटरी मेथड लगाते हैं, टू पाई आर लेंथ के लिए मास एम है, हाँ या ना, टू पाई आर लेंथ के लिए मास एम है या नहीं, जल्दी बताओ मुझे, यस और नो, टू पाई आर लेंथ के लिए मास एम है या नहीं, ठीक है। तो एक यूनिट लेंथ का मास दैट इज एम अपॉन टू पाई आर, दिस इज मास पर यूनिट लेंथ, ये। अब हो क्या रहा बेटा, ये रिंग अपने एक्सिस के अबाउट कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, ये सुनो, दे रखा था मैंने, मैंने आपसे पूछा टेंशन इन द रिंग, मैंने आपसे क्या पूछा, टेंशन इन द रिंग, ठीक है, क्लियर है। अब टेंशन इन द रिंग कैसे निकालेंगे, तो मैंने क्या करा, अब आप एक चीज देखो, ऐसे कोई रिंग है तेरे पास, कड़ा है, अब देख, देखो भाई ये हमारे पास कड़ा है, कड़ा अपने एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे घूम रहा है ओमेगा से कांस्टेंट, तो इस पे कोई भी पोर्शन होगा, अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में देखें छोटा सा कोई भी पोर्शन, तो उस पे बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा सेंट्रीफ्यूगल की, नहीं लगेगा कि नहीं लगेगा, जल्दी बताओ मुझे, तो जो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा इस पे, उसकी वजह से वो पोर्शन किधर जाना चाहेगा, बाहर जाना चाहेगा, यस सुनो, बाहर जाना चाहेगा, लेकिन जब ये कड़ा घूमता है ऐसे तो क्या वो पोर्शन बाहर निकल के चला जाता है, जल्दी बताओ, नहीं। तो इसका मतलब उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई फोर्स है जो उसको बाहर जाने से क्या कर रहा है, रोक रहा है, एंड दैट इज टेंशन फोर्स, ठीक है, वो कौन सा फोर्स है, टेंशन फोर्स है। अब जरा देखो, तो मैंने एक छोटा सा पोर्शन ले लिया इसके ऊपर, मैं छोटा सा पोर्शन है लेकिन बड़ा दिखा रहा हूं यहां पर, ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखना, है पोर्शन बहुत छोटा ताकि आपको क्लियर रहे, ठीक, ये छोटा सा पोर्शन ले लिया हमने, ठीक है, इतनी बात। अब आप एक चीज देखो, ये छोटा सा पोर्शन है, बहुत छोटा है बेटा ये, ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना, ये बड़ा नहीं है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बड़ा बनाया। अब आप एक चीज देखो, इस पोर्शन का मास मैंने क्या ले लिया, डीएम ले लिया, इस पोर्शन का डीएम मास ले लिया, तो कौन से फ्रेम से कर रहा हूं मैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम से, तो इस डीएम पोर्शन पे या डीएम मास पे बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, दैट इज डीएम इंटू एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर, लगेगा या नहीं लगेगा, जल्दी बताओ, हाँ या ना, ठीक है। अब यहां देखो, ये पोर्शन बाहर जाना चाहता है, ये पोर्शन जो मैंने ये बनाया हुआ है बाहर जाना चाहता है, तो इस पोर्शन को बाहर जाने से रोकने के लिए जो रिमेनिंग पोर्शन है रिंग का, वो इस पर क्या लगाएगा, फोर्स कैसे लगाएगा, सॉरी,
ऐसे करके टी इधर, जितना टी इसने लगाया उतना ही टेंशन कौन लगाएगा, ये वाला पोर्शन भी लगाएगा। अगर आप दो हिस्सों में तोड़ के देखो इसे, तो इस पे अगर टी ऐसे लग रहा है एक्शन, तो इस पे टी क्या लगेगा, रिएक्शन। हालांकि मैं उसको दिखा नहीं रहा हूं, ठीक, इतनी बात, क्योंकि मुझे सिर्फ उस पोर्शन से मतलब है। ठीक, अब जरा देखो एक मिनट, ऐसे ही इस पे भी लगेगा टी, हमने एक चीज और पढ़ी थी न्यूटन्स लॉ में। हेलो, पॉज हो गया क्या वीडियो? बेटा मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, अब मेरी बात सुनो, हमने एक चीज और पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि जो टेंशन फोर्स होता है वो हमेशा अलोंग द लेंथ लगता है, अलोंग द लेंथ लगता है, ये सुनो। तो अगर इस पोर्शन के लेंथ के अलोंग लगेगा, तो ये टी और ये टी दोनों टेंजेंट होंगे कि नहीं होंगे सर्कल के? टेंजेंट होंगे या नहीं होंगे? हाँ, टेंजेंट होंगे, मतलब ये एंगल रेडियस के साथ 90 डिग्री और ये एंगल रेडियस के साथ 90 डिग्री। पक्का मानते हो या नहीं मानते हो? यह सुनो, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, मैंने मान लिया कि भाई ये इस आर्क का टोटल एंगल ये डी थीटा और ये भी कितना डी थीटा, टोटल एंगल 2d थीटा है, मान सकता हूं या नहीं? ठीक है, अब आप एक चीज देखो, मैंने इस येलो वाले के अलोंग पैरेलल बनाया, यहां पर भी बनाया, यहां पर भी बनाया। तो एक बात बताओ, ये एंगल कितना हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जल्दी बताओ मुझे, डी थीटा होगा या नहीं होगा? अगर ये डी थीटा होगा तो दिस वुड बी 90 माइनस डी थीटा, यह सुनो। तो अब इस टी के दो कंपोनेंट, टी के दो कंपोनेंट अगर हम बनाते हैं, देखो जरा इधर की तरफ, टी कॉस 90 माइनस डी थीटा यानी कि टी साइन डी थीटा, और ऊपर की तरफ इस पे टी कॉस डी थीटा। हाँ या ना? सेम वे इधर भी ऐसे टी साइन डी थीटा और इधर टी कॉस डी थीटा। ठीक है, इतनी बात, कोई दिक्कत है इसमें? अब आप एक मजेदार बात देखो, अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम में देख रहे हैं तो ये पोर्शन, अगर ऑब्जर्वर इसके ऊपर बैठा है तो ये पोर्शन इसको ऑब्जर्वर को रेस्ट पे दिखेगा कि नहीं दिखेगा? हाँ या ना? ऑब्जर्वर को ये पोर्शन जो हमने पार्ट पकड़ा है वो रेस्ट पे दिखेगा कि नहीं दिखेगा? ठीक है, अब अगर रेस्ट पे दिखेगा तो ऊपर वाला फोर्स और ये नीचे वाला एक दूसरे को बैलेंस कर रहा, बराबर है। अंदर वाला फोर्स बराबर बाहर वाला फोर्स, अंदर वाला फोर्स कितना, 2t साइन डी थीटा इज इक्वल टू डी एम ओमेगा स्क्वायर आर, मानते हो या नहीं मानते हो, जल्दी बताओ भाई, इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, अब आप एक चीज देखो, ये लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क इज व्हाट, रेडियस इनटू एंगल, दिस इज लेंथ ऑफ आर्क और नॉट? हाँ या ना, जल्दी बताओ भाई, ये जो मैंने ग्रीन वाली लेंथ बनाई है आर्क की, वो कितनी, आर इंटू 2d थीटा होगा कि नहीं होगा? अबे एंगल इंटू रेडियस इज व्हाट, लेंथ ऑफ आर्क। अब एक बात बताओ, 1 यूनिट लेंथ का मास ये रहा, तो इतनी लेंथ का मास क्या होगा, इंटू दिस लेंथ? हाँ या ना, जल्दी बताओ भाई। तो डीएम इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट लेंथ एम अपॉन 2πr इंटू लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क इज रेडियस इंटू 2d थीटा, 2 से 2 कट गया, r से r कट गया, तो dm कम्स आउट टू बी m अपॉन पाई इंटू डी थीटा। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है तो बता दो भाई, कोई इशू है? नहीं है, ठीक है।
अब हम वैल्यूज डाल देते हैं, हो जाएगा। देखो जरा, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर रहा हूँ। अच्छा, ये क्या हो गया? अब देखो मैं डीएम की वैल्यू यहां डाल देता हूं, यहां डाल देता हूं बेटा, तो क्या हो गया? टू टी साइन डी थीटा को मैं डी थीटा लिख सकता हूं, कल मैंने बताया था, याद है? कल मैंने बताया था कि नहीं बताया था? ठीक है, तो मैंने क्या करा, देखो, टू टी डी थीटा इज इक्वल टू डीएम की वैल्यू, डीएम की वैल्यू कितनी? एम अपॉन पाई डी थीटा ओमेगा स्क्वायर आर। अब जरा देखो, डी थीटा से डी थीटा कट गया, तो टी कम्स आउट टू बी एम ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन टू पाई। दिस इज टेंशन, आगे कि नहीं आ गया, जल्दी बताओ भाई। ठीक है, इस तरीके से अप्रोच करेंगे। ठीक, अब ये तो हो गए, बहुत सारे एग्जांपल मैंने करा दिए आपको किसके? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के। ठीक है, अब हमें बात करनी है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। किसकी बात करनी है? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। ठीक है, इतनी बात। ठीक, अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करेंगे बेटा। अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे आ जाओ, ध्यान सुनना, बढ़िया चीज है। मान लो सर्कल है रेडियस आर का, पार्टिकल किसी समय पे यहां पर है। ठीक है, इतनी बात। अब नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, मेरी बात ध्यान सुनो। मूविंग रिंग के कोलैप्स करने का कोई सिनेरियो होता है, रोटेशन में तो नहीं होगा। ठीक है, किसी और में देखेंगे तो बात कर लेंगे, अभी अंश पहले जो कर रहे हैं उसको देख लें। अब हमारे पास क्या है, किसी समय पे पार्टिकल यहां पर है। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, अल्फा एग्जिस्ट, अल्फा होता है या नहीं होता पहले बताओ। मैंने बताया था आपको, बताया था कि नहीं बताया था? अल्फा जीरो नहीं होता, यूसीएम में अल्फा जीरो होता है, यहां पर अल्फा एग्जिस्ट। अल्फा एग्जिस्ट तो ओमेगा वेरिंग, ओमेगा क्या करेगा, वेरी करेगा, यस और नो? ओमेगा वेरिंग, तो अब जरा देखो, अब मेरी बात ध्यान सुनो, पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसको देखो जरा, वो तो होती तो टेंजेंट ही है। वेलोसिटी का डायरेक्शन तो बदल ही रहा है क्योंकि सर्कल पे चल रहा है, यस और नो? यस और नो, जल्दी बताओ। वेलोसिटी का डायरेक्शन तो बदल रहा है क्योंकि सर्कल पे चल रहा है, तो हम क्या कहेंगे, डायरेक्शन ऑफ वी वेक्टर कॉन्टिन्यूअसली चेंजेस। एक और चीज बेटा, वी होता है मैग्नीट्यूड में ओमेगा इंटू आर, होता है या नहीं होता है, जल्दी बताओ। v बराबर क्या होता है, ओमेगा आर होता है या नहीं होता है? अरे होता है या नहीं, जल्दी बोलो। ठीक, और एक और चीज, क्योंकि ओमेगा बदल रहा है तो हम क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ v ऑल्सो चेंजेस, हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी बताओ भाई। ठीक है, अब अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वी बदल रहा है तो अब खेल क्या हो गया, वी का डायरेक्शन बदल रहा है, मैग्नीट्यूड बदल रहा है, तो हमारे पास दोनों एक्सेलरेशन आ गए, कौन सा, सेंट्रिपिटल बी और टेंजेंशियल बी, यस और नो? यस और नो, जल्दी बताओ। तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ऐसा आ गया, दिस इज ए सी, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऐसा आ गया ए टी। सपोज मान लो ए का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा था, सॉरी वी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा था, ये ए टी आ गया, आगे कि नहीं आ गया? अब बेटा
मैंने ये नहीं कहा कि अल्फा कांस्टेंट है, मैंने NUCM कहा। इसमें दोनों आ गए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट वाला भी, अल्फा कांस्टेंट वाला भी, अल्फा वेरिएबल वाला भी, ठीक है इतनी बात। मैंने NUACM नहीं कहा, ठीक है। अरे क्लियर है मेरी बात, समझ में आ रही है? मैंने दोनों एक साथ ही पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ज़रा देखो, जो नेट एक्सेलरेशन आएगा वो ये आएगा कुछ, ऐसा ही आएगा कि नहीं आएगा? हाँ या ना? अरे यस और नो, जल्दी बोलो। नेट एक्सेलरेशन यही आएगा कि नहीं आएगा, रिजल्टेंट ऑफ दीज टू? जल्दी बोलो बेटा। ठीक, अब एक और चीज, इस इंस्टेंट पे एसी कितना होगा? एसी विल बी ओमेगा स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाय आर, जो भी इस इंस्टेंट पे स्पीड होगी अपॉन उसका स्क्वायर अपॉन आर, या इस इंस्टेंट पे ओमेगा होगा उसका स्क्वायर इंटू आर। और एटी कितना होगा? आर अल्फा, पता है ना हमें? अरे बातें तो पता है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यस और नो? अब एक बात बताओ, ठीक है, अब अगर हम देखें तो एसी का डायरेक्शन हमेशा बदलेगा बार बार, है तो टुवर्ड सेंटर, बदलेगा कि नहीं बदलेगा? जल्दी बताओ, एसी का डायरेक्शन बदलेगा कि नहीं बदलेगा? एसी का डायरेक्शन भी बदलेगा और एसी का मैग्नीट्यूड भी बदलेगा, क्योंकि ओमेगा भी वेरिएबल है, हाँ या ना? तो हम क्या कहेंगे, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एसी वेक्टर चेंजेस। मानते हो या नहीं मानते हो? हाँ या ना? अरे यस और नो, जल्दी बोलो बेटा। ठीक है, अब ये कहानी आ गई। अब दूसरा, जो एटी है, एटी की कहानी डिपेंड करेगी, डायरेक्शन तो एटी का बदलेगा क्योंकि ऐसे होगा हमेशा, डायरेक्शन तो एटी का बदलेगा, डायरेक्शन ऑफ एटी चेंजेस, लेकिन मैग्नीट्यूड एटी का मे और मे नॉट चेंज। बता रहा हूं क्यों, अगर हमारे पास अल्फा कांस्टेंट है तो मैग्नीट्यूड बदलेगा क्या? अगर अल्फा कांस्टेंट है तो एटी का मैग्नीट्यूड बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। और अल्फा वेरिंग है तो एटी का मैग्नीट्यूड भी बदलेगा। यस और नो? अगर अल्फा वेरिंग है तो एटी का मैग्नीट्यूड भी बदलेगा। क्लियर है? अब मेरी बात सुनो, अब यहां पर दोनों एक्सेलरेशन को प्रोवाइड करने वाला क्या आएगा? फोर्स आएगा। एक आएगा सेंट्रिपिटल FC, आएगा कि नहीं आएगा पहले बताओ? यस और नो? दिख रहा है? ठीक है, और एक आएगा FT। आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बताओ। हाँ, कलर चेंज कर लेते हैं, ये दोनों आएंगे कि नहीं आएंगे? ठीक है, अब क्या कहानी है, अगर ये दोनों एक्सेलरेशन आ रहे हैं, सॉरी ये दोनों फोर्स आ रहे हैं इन दोनों एक्सेलरेशन को प्रोवाइड करने के लिए, तो जो नेट फोर्स आएगा बेटा, जो नेट फोर्स आएगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा ऐसे। हाँ या ना? जल्दी बताओ भाई। ठीक है, नेट फोर्स इधर आएगा कि नहीं आएगा? अब मजेदार बात देखो, जो नेट फोर्स है एफ, इट इज नॉट टूवर्ड्स सेंटर, जबकि यूसीएम में सिर्फ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होता था तो नेट फोर्स हमेशा टूवर्ड्स क्या होता था? सेंटर। हाँ या ना? एक बच्चा लिख रहा मैग्नीट्यूड ऑफ एटी कांस्टेंट होगा या नहीं होगा? भाई देख, एटी होता है आर अल्फा, मैंने तीन बार बोली बात फिर भी नहीं सुन रहा है, एटी होता है आर अल्फा। अगर अल्फा कांस्टेंट है तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, और अगर अल्फा कांस्टेंट है, देखो यहीं पर लिख देते हैं, अल्फा कांस्टेंट तो मैंने बताया था तब होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन, और अल्फा वेरिंग है तो एटी का मैग्नीट्यूड बदलेगा, तो होता था नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन, ऐसा बताया था।
ठीक है। अब तो मैंने क्या कहा, इस केस में जो एफ है, ठीक है, इतनी बात, वो सेंटर की तरफ तो नहीं आ रहा है, कहीं और आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ या ना? सेंटर की तरफ नहीं आ रहा है एफ, ठीक। अब एफ सेंटर की तरफ नहीं आ रहा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन यूसीएम याद करो, यूसीएम में सिर्फ होता ही एसी था, यस और नो? यूसीएम में सिर्फ क्या होता था? एसी। तो किधर की तरफ आता था, जल्दी बताओ, तब फोर्स किधर की तरफ आता था? टुवर्ड्स सेंटर आता था, क्लियर इतनी बात। और एक और चीज, जो ये एफ है, इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड चेंजेस कॉन्टिन्यूअसली, क्यों? जरा देखो, अभी ऐसा है, जब यहां पहुंचोगे तो एसी इधर हो जाएगा, एटी इधर हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा कुछ, ठीक है। मैंने क्या कहा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बता दो मुझे, क्लियर है सारी बातें? चलो अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, इतनी बात। किस पे? NUCM पे, ठीक है, NUCM पे क्वेश्चन करेंगे। तो मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूँ एक दो। अब देखो भाई, अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास क्या है बेटा, लिखो, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड, लिख लिया सबने, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड, ठीक है, ऑफ रेडियस कैपिटल आर, ऑफ रेडियस कैपिटल आर, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस कैपिटल आर, लिख लिया सबने, तो यस लिख दो एक बार। On which vehicle starts moving, on which vehicle starts moving, on which vehicle starts moving with tangential acceleration, with tangential acceleration ए टी इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट, ठीक है, मतलब इस सर्कुलर ट्रैक पे व्हीकल चलना शुरू करता है और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन क्या है? कॉन्स्टेंट है, ठीक है। कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन vehicle and road is mu, between vehicle and road is mu, coefficient of friction between vehicle and road is mu, ठीक है। find speed at which vehicle slips off the road, find speed at which vehicle slips off the road, क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दूंगा, परेशान ना हो, फाइंड स्पीड एट विच व्हीकल स्लिप्स ऑफ द रोड, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, पहले मैं क्वेश्चन बनाते हुए एक्सप्लेन कर रहा हूं। हमारे पास ये सर्कुलर रोड है बेटा, ये है, ठीक है, ये सर्कुलर ट्रैक है, टाइम जीरो पे व्हीकल यहां पे था, हम कौन सा व्यू ले रहे हैं? टॉप व्यू, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी व्हीकल की क्या है? जीरो है, कोई दिक्कत है भाई? दे रखा है हमें ऐसा, हाँ या ना? अरे यस और नो?
बोलो भाई। ठीक है, अब एक चीज और हमें क्या दे रखा है, इसके पास टेंजेंशियल एक्सेलेशन है विच इज कांस्टेंट, और ऐसे सर्कल में घूम रहा है। अब टेंजेंशियल एक्सेलेशन है तो इसकी स्पीड सर्कल के ऊपर बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, जल्दी बताओ, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? यस और नो? बढ़ेगी। हमें क्या बताना है, किस इंस्टेंट पे व्हीकल हमारा, मतलब किस स्पीड पे, मतलब जब व्हीकल की कितनी स्पीड पे व्हीकल क्या कर जाए, रोड से स्लिप ऑफ कर जाए बाहर की तरफ, ये बताना है। ठीक है, इतनी बात। तो हम क्या करते हैं, किसी भी समय पे आ जाते हैं, मान लो टाइम टी पे व्हीकल यहाँ है, ठीक है, एट टाइम टी इस व्हीकल की स्पीड क्या हो चुकी है, वी। ठीक है भाई, कितना हो चुका है, वी हो चुका है, क्लियर है भाई? स्पीड तो बढ़ेगी तो इस व्हीकल की स्पीड क्या हो गई, वी हो गई। हाँ या ना, जल्दी बताओ भाई, बोलो बेटा। अब एक बात बताओ, इस समय व्हीकल का जो वी है, इसका डायरेक्शन बदलेगा कि नहीं बदलेगा, हर मोमेंट पे बदलेगा, यानी कि एक सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन आएगा अंदर की तरफ, आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या ना? और एक टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन आपको दे ही रखा है उसने, ए टी दे रखा है, नहीं दे रखा है, जल्दी बताओ मुझे, दे रखा है या नहीं? ठीक है, अब आप एक चीज देखो, कौन से फ्रेम से करते हैं हम इसे, नॉन इनर्शियल फ्रेम से कर लेते हैं। किससे करते हैं पहले, नॉन इनर्शियल फ्रेम से। चलो अगर मैं ऑब्जर्वर व्हीकल के ऊपर बिठा दूं, अगर मैं ऑब्जर्वर व्हीकल के ऊपर बिठा दूं, ठीक है, तो एक बात बताओ, ऑब्जर्वर के ऊपर सूडो फोर्स लगेंगे कि नहीं लगेंगे, सॉरी ऑब्जर्वर नहीं, व्हीकल के ऊपर सूडो फोर्स लगेंगे कि नहीं लगेंगे, जल्दी बताओ। अगर मैं ऑब्जर्वर को व्हीकल के ऊपर बिठाता हूं तो व्हीकल के ऊपर सूडो फोर्स लगेंगे कि नहीं लगेंगे, जल्दी बोलो बेटा। अरे बोलो यार, अब मेरी बात सुनो, हमारे पास क्या एक सर्कुलर रोड है, ठीक है, इतनी बात ध्यान सुनना, सर्कुलर रोड है, उसके ऊपर एक व्हीकल है, टाइम जीरो पे उसकी वेलोसिटी जीरो है, ठीक। अब व्हीकल एक्सेलरेट कर रहा है टेंजेंशियली, कितने एक्सेलरेशन से, ए से, विच इज कांस्टेंट, ठीक है, एक्सेलरेशन टेंजेंशियल वाला व्हीकल का क्या है, कांस्टेंट है, दे रखा है हमें, क्लियर है? क्लियर है भाई? अरे जल्दी बोलो। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अब अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इसकी स्पीड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, व्हीकल की स्पीड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, जल्दी बताओ, बढ़ेगी, व्हीकल की स्पीड बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक। अब व्हीकल की स्पीड बढ़ेगी तो किसी ना किसी स्पीड पे व्हीकल आपका सर्कुलर ट्रैक को छोड़ के स्लिप कर जाएगा बाहर की साइड, हाँ या ना? तो मुझसे क्या पूछा गया, स्पीड एट विच व्हीकल स्लिप्स ऑफ सर्कुलर रोड, स्पीड एट विच व्हीकल स्लिप्स ऑफ द सर्कुलर रोड, ठीक है, इतनी बात। अब मेरी बात सुनो, मैं सवाल को नॉन इनर्शियल फ्रेम में कर रहा हूं, किस में कर रहा हूं, नॉन इनर्शियल फ्रेम में। तो किसी समय पे जब स्पीड वी है, उस समय पे इस गाड़ी के पास एक सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन भी होगा, टेंजेंशियल भी होगा, दोनों होंगे कि नहीं होंगे, हाँ या ना? दोनों होंगे। मैंने ऑब्जर्वर को इसके ऊपर बिठाया है अगर, तो सूडो फोर्स लगेगा अब किसके ऊपर, व्हीकल के ऊपर एक सूडो फोर्स, क्योंकि फ्रेम का एक्सेलरेशन क्या है, फ्रेम का एक्सेलरेशन एसी भी है एटी भी है, तो दोनों की वजह से सूडो फोर्स लगेगा व्हीकल के ऊपर, तो एक लगा सेंट्रीफ्यूगल वाला, ऐसे मास ऑफ व्हीकल इनटू एसी लगेगा कि नहीं लगेगा, सूडो फोर्स एक ही है, यस और नो? और एक सूडो इस एक्सेलरेशन की वजह से ऐसे लगेगा कि नहीं लगेगा, जल्दी बताओ मुझे, एम इंटू ए टी लगेगा कि नहीं लगेगा, जल्दी बताओ, हाँ या ना? तो इन दोनों की वजह से इस व्हीकल पे ऐसे करके क्या लगेगा, फोर्स लगेगा भाई। अप्लाइड फोर्स जो व्हीकल को बाहर की तरफ ले जाना चाहता है,
हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई। अब ये अप्लाइड फोर्स हो गया। अब अगर इधर की तरफ गाड़ी जाना चाहेगी तो फ्रिक्शन जो व्हीकल पे लगेगा वो इस फोर्स के क्या लगेगा, अपोजिट लगेगा या नहीं लगेगा? ये सुनो, अब मेरी बात सुनो। फॉर सेफ टर्न, फॉर सेफ टर्न, अगर टर्न को सेफ रखना है तो F जो होना चाहिए वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या होना चाहिए, छोटा। मानते हो या नहीं मानते हो? तब गाड़ी घूमती रहेगी ऐसी सर्कल में। ये सुनो, जिस मोमेंट पे बराबर आएगा उस मोमेंट के बाद गाड़ी बाहर स्लिप होना शुरू हो जाएगी। मानते हो या नहीं मानते हो भाई? अरे निकम्मो, मानते हो या नहीं? ठीक है, अब मेरी बात सुनो। तो F कितना हो गया? अंडर रूट एम स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए टी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी। हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी बताओ भाई। तो एम से एम कट गया, ठीक है, स्क्वायरिंग कर दी दोनों साइड। ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर। इतनी कहानी है हमारे पास, हाँ या ना, जल्दी बताओ भाई। ए सी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर, और ए टी की वैल्यू क्या है? ए है, तो माइनस ए स्क्वायर। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, जल्दी बताओ मुझे। अरे मुझे म्यू गिवन है, जी गिवन है, ए गिवन है, ठीक। अब ए सी, ए सी कितना होगा? ए सी इज वी स्क्वायर बाय आर। इस मोमेंट पे जो स्पीड है दैट इज वी, तो ए सी कितना होगा, वी स्क्वायर बाय आर होगा कि नहीं होगा? निगम चौहान हाथ नीचे कर दे भाई, अगर चैट बॉक्स में कुछ लिखना है तो लिख दो। ए सी इतना होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ मुझे। ठीक है, अब ए सी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो जरा देखो क्या है अपने पास। वी की पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि वी लेस देन इक्वल टू आर स्क्वायर म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इस पूरे की पावर 1/4। अगर इससे छोटी स्पीड होगी तो व्हीकल सेफली क्या करेगा, टर्न करेगा, और इससे बड़ी स्पीड हुई तो गाड़ी क्या करेगी, बाहर निकल जाएगी। यस और नो? यस और नो? आ गई कहानी क्लियर? अगर सेम क्वेश्चन को मैं इनर्शियल फ्रेम से करता तो कैसे एक्सप्लेन करता, अब ये प्रॉब्लम है, हाँ या ना? अरे हाँ या ना, अगर मैं सेम क्वेश्चन को इनर्शियल फ्रेम से करता तो कैसे हम एक्सप्लेन करते, अब उस बात को देख लेते हैं। ठीक है, चलो उसको भी देख लेते हैं बेटा। मान लो किसी समय पे गाड़ी की स्पीड क्या है, वी है, ठीक है। अब क्योंकि एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ए टी और सर्कल में घूम रहा है तो एक सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन है ए सी। यस और नो? ये गाड़ी है हमारी, तो जो नेट एक्सेलरेशन है व्हीकल का वो कैसा है, ऐसे। है या नहीं, जल्दी बताओ मुझे, ऐसा है या नहीं, जल्दी बताओ। अब इस एक्सेलरेशन को प्रोवाइड कौन करेगा, इस एक्सेलरेशन को प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास आएगा गाड़ी के पहियों पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा,
ये इस फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा और एक कंपोनेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। क्लियर है भाई? इस फ्रिक्शन फोर्स का एक कंपोनेंट सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा और एक क्या करेगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। ये फ्रिक्शन फोर्स ही इसको क्या कर रहा है, सर्कल में घुमा रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, फ्रिक्शन की एक औकात होती है, उससे ज्यादा नहीं लग सकता। हाँ या ना? फ्रिक्शन बेटा अगर एक्सेलरेशन है, अच्छा एक काम, एक बच्चे ने बोला फ्रिक्शन क्यों, जब यूसीएम पढ़ रहे थे भाई, सर्कुलर टर्न हो रहा है यूसीएम में, वी कांस्टेंट है तो एसी आता था। इस एसी को प्रोवाइड कौन करता था भाई, जरा बताना मुझे, मैंने पढ़ाया था। इस एसी को प्रोवाइड कौन करेगा बताना जल्दी से, फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा। तो क्योंकि यहां पर सिर्फ यही एक एक्सेलरेशन था तो फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा था इसे, ठीक है। लेकिन यहां पर दो एक्सेलरेशन है तो फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट एसी को प्रोवाइड करेगा और एक कंपोनेंट किसको, टेंजेंशियल को प्रोवाइड करेगा। अब प्रॉब्लम क्या है, फ्रिक्शन की एक औकात है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, दैट इज म्यू इनटू एन, दैट इज म्यू एम जी, इससे बड़ा नहीं हो सकता। हाँ या ना? अब एक बात बताओ, लेकिन जो वी है वो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, जल्दी बताओ मुझे, वी बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? V बढ़ रहा है तो AC भी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? हाँ या ना? AC भी बढ़ रहा है, AC भी बढ़ रहा है, ठीक है, इतनी बात। यानी कि हमारे पास नेट एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक। लेकिन अगर हमारा जो ये फ्रिक्शन लग रहा है, ये फ्रिक्शन, जरा एक चीज देखो, क्या ये गाड़ी रिलेटिव टू रोड ऐसे ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे चल रही है क्या, जल्दी बताओ मुझे, क्या सड़क के रिस्पेक्ट में ऐसे ऐसे चल रही है गाड़ी? नहीं चल रही है। मतलब ये फ्रिक्शन कौन सा होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए। स्टैटिक होने के लिए इस फ्रिक्शन को FL से छोटा होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा, FL से छोटा होना पड़ेगा कि नहीं, जल्दी बताओ, बोलो बेटा। एंड ये फ्रिक्शन है कितना, M into A net, which is less than equal to FL, which is mu mg. M से M कट गया, yes or no? भैया ये फ्रिक्शन किसको प्रोवाइड कर रहा था, नेट एक्सेलरेशन को? बेटा बोलो जल्दी से बच्चों, ठीक है। अब A net कितना है, अंडर रूट AC square plus AT square is less than equal to mu g, squaring कर दो, AC square V की power 4 upon R square, AT square is what, A square is less than equal to mu square g square, मानते या नहीं, yes or no, जल्दी बोलो, ठीक है। अब आगे अपने आप आंसर जरा देखो, V less than equal to आर स्क्वायर म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इस पूरे ड्रामे की पावर 1/4, इससे छोटा होने पे सेफ टर्न हो रहा है या नहीं हो रहा, जल्दी बताओ, हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो मैंने उसी सेम क्वेश्चन को कौन से फ्रेम से कर दिया, कौन से फ्रेम से कर दिया बेटा, इनर्शियल फ्रेम से, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, कोई इशू है तो बता दो। चलो अब और एक आधा क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, चलो एक आधा क्वेश्चन और लेते हैं, मिटा दें इसे। चलो देखो भाई, एक ऐसा झूला भी होता है अम्यूजमेंट पार्क में, मैं बताता हूं कैसा। ऐसे एक रॉड, मतलब अम्यूजमेंट पार्क के स्कूलों में भी होता है, ये एक रॉड है, ग्राउंड पे ऐसे खंबा है, ग्राउंड पे गाड़ दिया गया, इसके साथ ये हॉरिजॉन्टल रॉड, और आप ऐसे लटक गए उस पर, ऐसे करके क्या कर गए, लटक गए। क्लियर है? अरे क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है? आप ऐसे लटक गए, मान लो आपको मैंने ऐसे लटका दिया, ये आदमी है, लटका दिया ऐसे, ऐसे पकड़ के। अब मैं इसको ओमेगा से घुमा रहा हूँ, ये लेंथ एल है,
ओमेगा से घुमा रहा हूँ, ओमेगा नहीं सॉरी, घुमाना शुरू करता हूँ अल्फा कांस्टेंट, और आपके हाथ और रॉड के बीच में कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। आपके हाथ के और रॉड के बीच में कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? म्यू है। अरे क्लियर है भाई? अरे ठीक है यार, क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूं ठीक। आपको क्या बताना है? टाइम, इनिशियल ओमेगा तो जीरो है, घुमाना शुरू किया हमने, तो जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा वैसे वैसे आप पे बाहर की तरफ फोर्स ज्यादा लगेगा, तो आप क्या कर जाओगे, कभी ना कभी बाहर निकल जाओगे कि नहीं निकल जाओगे। तो टाइम एट विच मैन स्लिप्स ऑफ, ये कहानी है। अब जरा देखो, अब मेरी बात ध्यान सुनो, मैं इसको दोबारा कर देता हूं पूरे को। आदमी का मास एम है। अब जरा देखो एक मिनट, हाँ इस आदमी पे नीचे लगेगा mg, लगेगा या नहीं लगेगा जल्दी बताओ मुझे, यस और नो? mg लगेगा, ठीक है। मैं कौन से फ्रेम से कर रहा हूं बेटा? नॉन इनर्शियल से। इनिशियल ओमेगा जीरो है, अल्फा कांस्टेंट है, तो किसी समय पे ओमेगा जो आएगा दैट वुड बी ओमेगा आई प्लस अल्फा टी, तो अल्फा टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा जल्दी बताओ मुझे। गौरांगी मैंने लिखा था कि किस समय पे आदमी स्लिप करेगा, ये मैंने पूछा था सवाल में। आप लोग कई बार क्या करते हो, क्वेश्चन सुनते नहीं हो, बार बार वही पूरे क्वेश्चन को कराते दौरान आप यही पूछते हो क्या पूछा गया है, क्वेश्चन सुन लिया करो। मैंने लिखा भी था बोर्ड पे कि टाइम व्हेन मैन स्लिप्स ऑफ द रॉड, ठीक है। अब एक बात बताओ, टाइम टी पे ये ओमेगा आएगा कि नहीं आएगा जल्दी बताओ मुझे, यस और नो? जल्दी बताओ बेटा, टाइम टी पे ये ओमेगा आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, ये आ गया। इस ओमेगा के आने की वजह से इस पे बाहर की तरफ नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा एम ओमेगा स्क्वायर एल, लगेगा कि नहीं लगेगा जल्दी बता दो, लगेगा भाई। और ये अल्फा से घूम रहा है और ऐसे करके ओमेगा है इस इंस्टेंट पे, यस और नो? जल्दी बोलो भाई, बोलो बेटा। हाँ, अब एक और चीज है भाई, एक चीज और ध्यान सुनना, क्योंकि अगर ये अल्फा से ऐसे घूम रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अंदर की तरफ है या नहीं पहले बताओ मुझे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अंदर की तरफ है या नहीं जल्दी बोलो, बोर्ड के अंदर की तरफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है या नहीं? तो इस पे एक और चीज है, इस पे पीछे की तरफ आपकी साइड में ऐसे क्या लग रहा है, डॉट में क्या लग रहा है, एम इंटू ए टी, ये दो फोर्स लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, मतलब एम इंटू ए टी ऐसे बाहर की तरफ और एम ओमेगा स्क्वायर एल बाहर ऐसे, तो ये कुछ ऐसे गिरना चाहेगा बाहर की तरफ कि नहीं, हाँ या ना? तो इन दोनों के रिजल्टेंट की वजह से बाहर निकलना चाहेगा, यस और नो जल्दी बताओ, लग रहा है नो? चलो मेरी बात सुनो, अब मेरी बात ध्यान सुनना, ये रॉड है, ध्यान सुनो, ये आदमी का हाथ ऐसे फंसा हुआ है, ऐसे है ना, ध्यान से देखो, ये कुंडा है ऐसे पकड़ रखा है, पहले सुन लो भाई, ऐसे कुंडा पकड़ा हुआ है ना, तो एक तो mg की वजह से मैं रॉड को दबा रहा हूं, दबा रहा हूं कि नहीं दबा रहा हूं जल्दी बताओ मुझे, अरे दबा रहा हूं या नहीं दबा रहा हूं, mg की वजह से, तो उसका नॉर्मल रिएक्शन तो ऊपर आएगा n1, आएगा कि नहीं आएगा पहले बता दो मुझे, आएगा बेटा, ठीक है, रुके रहो अभी एक मिनट, और मजेदार बात है, ऐसे जब ये रॉड घूम रही थी तो एम ए टी पीछे आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा पहले बताओ, अरे जब मैं ऐसे ऐसे रॉड घूमेगी तो मेरे हाथ को दबाते हुए ले जाएगी कि नहीं ले जाएगी, तो हाथ मेरा पीछे की एम ए टी पीछे लगा, ठीक है इतनी बात, तो एम ए टी पीछे लगा तो रॉड पे
आगे की तरफ एक और रिएक्शन आया, दैट इज एन टू और नॉट। ये 3D में बेटा, थोड़ा सा 3D में देखो। आपने ऐसे ऐसे पकड़ा हुआ था, आप ऐसे देखो, ऐसे पकड़ा हुआ था ना आपने, ध्यान से देखना। एक तो N1 आ गया, और जब ये रॉड ऐसे जाएगी, ऐसे, तो एक बात बताओ, आपका हाथ इसको दबा रहा है कि नहीं दबा रहा है, जल्दी बताओ, दबा रहा है। तो उसका रिएक्शन कितना हो गया, N2 हो गया। तो अब जरा देखो, N1 किसके बराबर, Mg के, कैसा, ऊपर, और N2 किधर, अंदर की तरफ। N2 कितना, M into AT, यस और नो, जल्दी बताओ भाई, M into AT, ठीक है। तो अब जरा देखो, जो नेट नॉर्मल रिएक्शन, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, N1 ऊपर और N2 ऐसे, तो 90 डिग्री एंगल है, तो नेट नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, N is equal to √N1² + N2² यही आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा भाई, जल्दी बताओ मुझे, यस और नो। अब क्या कहानी है, N is equal to M common, ठीक है, इतनी बात, √G² + AT² AT कितना बेटा, AT किसी भी समय पे होता है R अल्फा, R कितना, L है अल्फा, तो कितना हो गया, α² L² ये आ गया कि नहीं आ गया, हाँ या ना, जल्दी बोलो भाई, जिसका डाउट है वो अभी साइड में रहो, पारस चावला भी रुक जा थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब मजेदार बात देख, अब खेल क्या है, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा वो आ गया μ into N, कितना आ गया μ into N, और बाहर ले जाने वाला फोर्स कौन है, m ω² L। तो अगर ये बाहर जाता है तो m ω² L जिस मोमेंट पे बाहर जाएगा मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, FL, और अगर छोटा रहता है m ω² L तो ये बाहर नहीं जाएगा। अरे मानते हो या नहीं मानते हो, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो भाई, अगर m ω² L FL से छोटा है तो बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अब कर लेते हैं सॉल्व, हो गया खत्म, अगर ये डाल देते हैं वैल्यू, m ω² L = FL μ √G² + α² L², एम से एम कट गया, ओमेगा की वैल्यू कितनी बेटा, ओमेगा की वैल्यू है α t, तो क्या हो गया, α² T² L = μ√G² + α L², यहां से t आ गया कि नहीं आ गया, आगे t के नहीं आ गया भाई, ठीक है। एक काम करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे, कल एक और।